नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर में जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं के मामले में सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने अपने पति को धोखे में रख शादी रचा ली, जिसके बाद महिला ने घर से लाखों के जेवर सहित हजारों की नकदी पार कर रफो चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाबूपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले अमित शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोविंद नगर निवासी ब्रिजमोहन की बेटी ने प्रेम जाल में फंसा कर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद कुछ समय तक घर में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही महिला घर से लाखों के जेवर सहित हजारों की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि इससे पूर्व भी महिला ने धोखे में रख अपनी शादी युवक से रचाई थी, वही शादी की बात छिपा रखी थी, जिसके बाद युवक ने बाबूपुरवा पुलिस से मदद मांग कर कार्रवाई की बात कही है। सर, ये मेरी पत्नी थी जिसने अभी तीसरी शादी कर ली है। इसके पहले सर मैंने शादी करी थी आर्य समाज मंदिर से, तो इन्होंने प्रेम जाल में मुझे फंसाया और इसके बाद मेरे साथ रहने लगी। एक दिन ये लड़ाई झगड़ा करके और घर का सारा जेवर, करीब 5 लाख रुपए का जेवर, 50,000 रुपये नगद और उसके साथ साथ कीमती जो सामान थे, इसमें कपड़े और कई सारी चीज़ें थी, वो सब लेके घर से चली गई। मैं इसको ढूंढता रहा लेकिन कहीं नहीं मिली। बाद में मुझे किसी दिन जब मैं आसपास गया तो किसी ने मुझे बताया कि इसका पूर्व में भी कई सारी मतलब अफेयर रहा और इसका विवाह हुआ और अभी रिसेंटली इसने 2 जुलाई को शादी करी है। और इनमें इनकी माता जी संगीता वर्मा, पिता, दोनों भाई और भाभी और कई और अन्य रिश्तेदार भी हैं जो इनमें मिले हुए हैं। और इस तरह का जो काम करने वाली, इसका लुटेरिन दुल्हन की तरह काम है इसका, जो हम टीवी पे देखते थे वो मेरे साथ हकीकत में हो रहा है और इसने इस तरह से काम किया हुआ है। ये बुरा मामला। कहाँ की रहने वाली वो लड़की है? सर, गोविंद नगर की। जब आपके साथ शादी पहले की थी, दूसरा पति था, उसकी क्या जानकारी आपको तक दी थी? सर, हमें कोई जानकारी नहीं थी और इसने अपने प्रेम जाल में मुझे फंसाया था। मैंने एकदम एक अच्छा जीवन बिताने के लिए इनसे विवाह कर लिया आर्य समाज मंदिर से। आज कहाँ पे है इसकी जानकारी आपको मिली? सर, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। शादी का वीडियो मेरे पास आ गया है और जिस स्थान से शादी करा है वहाँ के बारे में पता चल गया है और अभी भी गायब है। अच्छा, इसकी जानकारी आपने अभी पुलिस को दी क्या? सर, अभी रिपोर्ट लिखने के लिए बोला गया कि यहाँ पे थानेदार महोदय आएंगे तो वो लिखेंगे। आपके बीच कितने दिनों से नहीं है? आपके साथ कितने दिनों से नहीं है? नहीं है कितने दिनों से? सर, ये मान के चलिए 23 नवंबर 2020 से नहीं है। इसके बीच किसी को जानकारी आपने पुलिस को दी थी क्या? सर, इसके पहले मैंने एक एप्लीकेशन दी थी लेकिन कोविड की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आगे अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हो तो क्या करें? पता ही नहीं था कि शादी के 2 दिन पहले तक उसने इनसे फ़ोन पे बात की। हाँ।